अच्छा तो जनाब आप सूर का बोर्ड वेख लो तुम सुबह सुबह की पाक हवा बच्चे साफ हवा बच्चे साह लैना क्यों नमाज पढ़ी है नमाज पढ़ के सुबह सुबह का टाइम है जनाब अपने सड़क का माहौल है। अस्सलाम वालेकुम जी, शुरू करने अज का व्लॉग जनाब। सुबह सुबह का टाइम है, नमाज पढ़ के निकल मस्जिद में, तो देखो साड़ी गली का कि खूबसूरत मंजर है, कितनी सोहनी लग रही है। हल्की हल्की दिन की रोशनी है, हल्की हल्की लाइटा चल रही, तो बड़ा ही सोहना मंजर है। हाँ वेख लो जनाब इस पारा पढ़ने जा रहे थे। वे कितने चलो इस पारा पढ़ कितने चले हैं पढ़ते चलना मैं नहीं पढ़ता मस्जिद गली च पढ़े मस्जिद गली च पढ़िया करो। ऐ जनाब अपने सड़क का माहौल है बिल्कुल, जी घरों बहर निकली गली बच्चों सड़क आँदी है। ऐ गला मंडी भी है, ये सड़क भी वेखो लाइटा चल रही ने, दिन चढ़ रहा हल्का हल्का। सैरी करन तो बाद रोज़ा रखने तो बाद नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के सुबह सुबह का टाइम है, बाहर निकल आए हैं तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल मज़ेदार, क्योंकि बदल का मौसम होया था, बारिश भी हुई सी कल, हल्की फुल्की हवा बहुत तेज़ है तो ठंडी है हवा, इन्हें ही आस्ता आस्ता गर्म हो जाना है। अब माशाल्लाह 21वां रोज़ा हो गया, मगर रोज़े तकरीबन रह गए 8 या 9 रोज़े रह गए, क्योंकि जी सुनने गल आई है ये गल आई है कि 29 रोज़े करने ने इन्होंने, 10 तरीक न ईद होगी। अगर देखने अल्लाह की मंजूर है, मालक सामने करोज़ा अल्लाह तुम अल्लाह पाक सू 30 रोज़े करवाता है या 29 करवाता है, अल्लाह पाक की मर्जी है। अच्छा जी सुबह सुबह निकलना तो चहल कदमी करना, फिर सुबह सुबह की पाक हवा बच्चे साफ हवा बच्चे साह लैना, क्योंकि अल्लाह तला फरमाते हैं कि जो दिन चढ़ता है ना तो वो भी साह लेंगे जी सुबह होंगी वो भी साह लेंगे। अच्छा जी मैं तुम्हें लैके चलिया वहाँ स्टेशन से, तुम वहाँ नहीं है ट्रेन जी सुबह सुबह सियालकोट तो लाहौर जाती है, तो कसूर भी स्टे कर दी नाले सुबह सुबह सैर हो जाएगी, नाले दरा के साफ फजा के हवा च साह सू लवेंगे तो मज़ा आएगा, तो तुम मेरे नाल रहना बड़ा मज़ेदार ब्लॉग होएगा वाला। मैं आ गया गला मंडी वाले चौक च। अच्छा तो यह मस्जिद तैयार हो रही है गला मंडी के, पहले छोटी सी हूँ बहुत वड्डी मस्जिद तैयार हो रही है, तो बहुत खूबसूरत यदा मॉडल बनया वे, दरवाज़ा वेखो कितना खूबसूरत है, तो नज़र आ रहे हैं गला के बंदे तो बड़े पैसे ला रहे हैं। यह अपनी सब्ज़ मंडी पसरूर शहर की बाहर निकलन दी है शहर के बच्चों, क्योंकि शहर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है। सुबह सुबह सैर करन की एक अपनी चस है, यकीन मनो कि अज मैं निकलिया वहाँ, अगे तो मैं नमाज़ पढ़ के आ कर बेहोश हो जाता हूँ, बेहोश मैं नमाज़ पढ़ के आना आ कर लंबे पै जाने सो जाना, 9 बजे नाल 8 बजे तक नक् खुलनी है, 8-9 बजे नक् खुलनी है, तो उस बाद बाहर निकलना कमा कर कहने के अज मैं निकलिया वहाँ नमाज़ पढ़ तो फुरन बाद जरा जी अलग नहीं की है गई तो चलन दया वहाँ, तो इन्ना क मज़ा आ रहा यकीन मनो, इन्ना क मज़ा आ रहा कि मैं दस नहीं सकता, जिसमें भी सुकून हो रहा रूह में भी सुकून हो रहा, तो मैं जहन से सोचन दिया वहाँ कि मैं रोज़ाना जगह इंजी रूटीन बना ला वहाँ तो कि चंगा काम हो गया, जिस तरह से पढ़ने होने सर बचपन के जिस तरह से बचपन पढ़ते रहे हैं कि सुबह की सैर जी इंसान को तंदुरुस्त तवाना करती है, ये वाकई गल्ला सच ने झूठ नहीं है ये कोई, पर यह कि इंसान वास्ते उठ के हिम्मत करना सब तो मुश्किल काम है, जो इंसान हिम्मत कर लेंदा अपने कदम अगर बधाने शुरू कर देता वे तो समझो कि वह फिर तुर पैंदा। देखो मस्जिद का कितना खूबसूरत मीनार है, तो मैं बड़ा प्यारा लगे वीडियो बनाने लग पाया मैं, तो यह जो मस्जिद का मीनार है ना जनाब, एक स्कूल की मस्जिद है। अच्छा तो यह स्कूल वह वे कि जिदे तो मेरे ख्याल के नाल समा नहीं हज़ारां लखां लोग जड़े ने ना लखां नहीं तो हज़ारां लोग लाजमन इस स्कूल तो वाकफ होंगे, इतने उन्होंने टाइम गुजरिया होएगा पढ़े होंगे, यह स्कूल जड़ा वे कुछ लोग तो पहचान करते हो इस दीवार के उत्तों ही इस मस्जिद के उत्तों ही, तो कुछ लोगों को पहचान नहीं होगी क्योंकि मस्जिद जी इन बनया कुछ देरी हुई है, पहले मस्जिद का मीनार इस तरह का नहीं है, मस्जिद है ऐसी अलबत्त छोटी जी, तो देखो किन्ने खूबसूरत अकवाले जरिए लिखे हुए थे, कितनी सोहनिया गल्ला लिखिया गई ने इतने, तो यह स्कूल है जनाब तुम देख सकते जी गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 पसरूर। अच्छा तो यह जो स्कूल है यह पसरूर का मेरे ख्याल सब तो वड्डा स्कूल होना है, ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब आते होंगे सर ना कभी पसरूर का दौरा करन, उन्हों का हैलीकॉप्टर लैंड करता होंगे ये असं छोटे छोटे होंगे सारे काम छड़ के अपना खेलना छड़ के असं नासा होना करना इतने आ के हैलीकॉप्टर वेखना करना मियाँ शहबाज शरीफ नवाज शरीफ में वेखना करना, जो भाई वो आए उन्होंने की वेखना असं हैलीकॉप्टर वेखना आते होंगे सूँ पता लग गया हैलीकॉप्टर कि व्डा किमें तह चढ़ किमें थले उतरता है, तो वो वक्त बड़ा मज़ेदार वक्त होंगे। इस टाइम मैं स्कूल के कोई लंघ रहा तो मैं तो चलो यार स्कूल की वीडियो बना के अपडेट करने हैं। अच्छा तो जनाबे वाली दरख्त वेखा दे दौ इस सफेदे का दरख्त, तो असं छोटे छोटे हाँ जो स्कूल पढ़ने होंने सर उदों भी एडा ही सी हूँ भी एडा ही है, तो वो ही सेहत है तुम देख सकते जी। मैं आ गया वहाँ स्टेशन के बिल्कुल सामने, स्टेशन वाल जा रहा वहाँ, मैं तुम देख सकते कि स्टेशन की लोकेशन देख सकते हो किस तरह की है, उसका कैमरा जा रहा मेरा कि खूबसूरत सीन आ रहा है, तो 7 साल पुराने दरख्त लगे देने जिन्ना पुराना स्टेशन है उन्ने ही पुराने दरख्त लगे देने।
अच्छा तो जनाब तुम देख सकते हो मैं पसरूर स्टेशन से आ गया वहाँ ए बहुत सारिया लाइन पई दें इतने बाबे ढेर लाए देने इन्हें एक कैमरा मेरा घूमता घूमता गया पसरूर स्टेशन की बिल्डिंग वाल सारे मुसाफिर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का ट्रेन लेट तो नहीं है बहरहाल आ रही है रस्ते के होनी है कितने हमने सूँ लभ जाती अभी वीडियो बनाने हैं तुम आने पूरे स्टेशन का व्यू नज़र आ गया कि खूबसूरत व्यू वे तो किन्ने खूबसूरत दरख्त लग रहे हैं नज़र आ रही है कुछ है कि वाकई भाई कितने खलोते हैं तो कोई वीडियो बना रहे हैं असं उसी लाजमी दसना कि तुम पसरूर स्टेशन की वीडियो कैसी लगी है स्टेशन है पसरूर का साढ़े स्कूल के बिल्कुल कोल वे असं जो स्कूलों एक्सैस होंगी सी असी आके इतने टाइम गुजारने होंने सर तो उन भी जो छोटे सर अभी तो अपने यार दोस्तों के नाल आ जाने करना चल यार स्टेशन वेखन चलने हैं हूँ तो ट्रेन सिर्फ दो चल दिया ने दो सुबह जाए दो शाम को वापस आदि ने पहले इतने बहुत ज़्यादा ट्रेन चल दिया होंगे कम अज़ कम कोई 12 से 13 ट्रेन चल दिया जिन्हों का जिन्होंने वेखन वास्ते असं बच्चे सर दिल करना करना चलिए यार जाकर ट्रेन वेखने ट्रेन किमें लंघ दी फिर इतने माल गड्डिया खलोतियां होंगे बहुत ज़्यादा आके उन्होंने दौड़ लाई करनी खेलना करना होर इतने बड़ी खेलों होंगे ने खुला मैदान है ना जिधर भी कैमरा जा रहा तुम देखोगे खुला मैदान है वैसे भी जितने स्टेशन होंगे ने तो ये आसे पासे बड़ी बड़ी जगह खाली होंगी है गोरमेंट जिथे आराम अपना आराम कोई ना कोई खेल खेल सकते जी कोई रोक टोक नहीं होंगी है लो जनाब ए शैड लगे हुए थे इन्हों के थले कोई ना कोई शहर रखते हैं पर एक इन्हों छत्त उड़ गई ने हमने बिल्कुल समय लोग बेकार ने इन्होंने वाले ध्यान करेंगे कोई लड़ होएगी तो फिर इन्हों का काम कुम करवाएंगे अच्छा तो जनाब ट्रेन आ रही है तो ट्रेन तुम विखा के तो व्लॉग अज का खत्म करा कल इंशाल्लाह फिर नवा व्लॉग बनाऊंगा इस तरह अपना सिलसिला चलता रहेगा उसी सपोर्ट लाजमी करनी है लाइक जरूर करना है वीडियो में शेयर जरूर करना है कमेंट्स जरूर करना तो ट्रेन मैंने सामने नज़र आ रही है तो मैं तुम वीडियो बना के दिखाना होती अच्छा तो जनाब पसरूर का पोर्ट वेख लो तुम तो इस बाद ट्रेन आ गई है मैं तुम्हें दिखा रहा हाँ काफ़ी ज़्यादा सवारियां अगे जा रही हैं बीबिया अगे जा खिलो क्योंकि बीबियों में ज़्यादा काली होंगी गड्डी चढ़न की वेख लो तुम गड्डी आ गई है जी मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा जनाब सारिया सवारियां बार बजे गड्डी रुके इतने गड्डी असं चढ़ जाइए लोग तो जनाब इन्ना जहाँ काम से गड्डी आ गई जी हूँ आवाम हफड़ा दफड़ी पै गई अपनी हूँ चढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि गड्डी का स्टे कम से कम एक मिनट या 2 मिनट का होंगे इस तो ज़्यादा स्टे नहीं करती है गई तुम वेख लो जिस तक मेरा कैमरा जा रहा है तुम नज़र आ रहा है कि वहाँ भज तोड़ के गड्डी चढ़ने की कोशिश कर रही है सिर्फ ट्रेन जी लाहौर तक जाती है इतना तो आई भी पूरे टाइम ना बड़ी गल है वरना टाइम आदि नहीं है ठीक है तो हूँ मैं वीडियो बनाता बनाता जनाब स्टेशन तो बाहर चला जाऊँगा क्योंकि होर भी कई काम होंगे ने घर के वो भी करने जरूरी होंगे ने अच्छा तो जनाब ऐसे अज का व्लॉग तो व्लॉग अज का खत्म करने इतने जी कल जनाब नवे व्लॉग में हाजिर होवे अल्लाह हाफिज़।